Assalamu alaikum. I am Irshad Ali, your physics teacher. बेटा फर्स्ट फर्स्ट ईयर के फिजिक्स बुक में हमने पिछले लेक्चर में इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़े थे. अब मैंने आखिर में आपको कहा था कि हमने लास्ट लेक्चर पढ़ना है कंप्लीट इक्विलिब्रियम. अब आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंप्लीट इक्विलिब्रियम. तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम को समझने के लिए देखें, हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट. इस तरह का एक ऑब्जेक्ट है, ये अगर आप देखें, इस तरह का ऑब्जेक्ट है सपोज, राइट. यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में और दूसरी फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है. यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ, एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी फोर्स यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये जो बॉडी है, ये बॉडी जो है इसको अगर आप देखें यहाँ पे आप, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें ना तो ये फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं. ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, राइट. अब यहाँ पे अगर हम देखें ना तो समिशन ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस दो लग रहे हैं, उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है. समिशन ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस, समिशन नंबर ऑफ फोर्सेस, ये सम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे जनरल टर्म में. तो यहाँ पे आपके पास दो फोर्सेस हैं, इस सम में आपके पास कितने फोर्सेस आ रहे हैं, दो. एक है ये डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव वाई डायरेक्शन, और ये जो फोर्स है ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, ठीक है. तो इसको आप पॉजिटिव लें, इसको आपने नेगेटिव लेना है, प्लस एफ माइनस एफ, क्योंकि ये फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन है, राइट. तो आपके पास प्लस एफ माइनस एफ दैट विल बी इक्वल टू जीरो. जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स याद रखें, हमारे पास जो नेट फोर्स है मींस नेट फोर्स हमारे पास क्या है, दैट इज जीरो. तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी, सेटिस्फाई होगी. फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या होता है कि समिशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी दैट विल बी इक्वल टू जीरो एंड द बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. आप देखें, लेकिन अगर हम देखें ना तो एज द रिजल्ट फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड होगी. फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी. लेकिन अगर आप देखें ना यहां पर means the body is in translational equilibrium. अब यहाँ पे अगर हम देखें ये axis of rotation है, body अब stationary नहीं होगी. body इस condition में अगर आप देखें ना, फिर मैं बता रहा हूँ, इस condition में फिर देखें आप forces लगा रहे हैं यहाँ पे इस direction में और यहाँ पे इस direction में आप force लगा रहे हैं, तो as a result body to stationary नहीं है. body जो है it has a tendency to move, it is a tendency to move around its own axis. अब अगर आप देखें ना ये distance suppose r ले लें, यहाँ से यहाँ तक ये distance r और ये भी distance r, ये बराबर है. तो इस force ने torque यूं प्रोड्यूस किया और इस फोर्स ने भी टॉर्क जो है वो इसी तरह क्या किया, प्रोड्यूस किया. मीन्स अब देयर इज नेट टॉर्क मीन्स अब आपका क्या है कि दूसरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है. मींस अब बॉडी जो है, ये बॉडी अब बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं है. अब ये बॉडी क्या कर रही है, अगर इसको हमने कंप्लीट इक्विलिब्रियम में लेके आना है तो हमारे पास ये जो इसकी टेंडेंसी ऑफ रोटेशन, आप देखें इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, इसमें एंगुलर मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है. अब बॉडी जो है कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं है, बॉडी इज ओनली इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम. एंगुलर या हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम जो है वो नहीं है. तो बॉडी हमारे पास क्या डिमांड कर रही है, कौन सी, कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाए. मींस अब देखें हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है समेशन ऑफ फोर्सेस, तो हमारे पास जीरो है. मींस जो एक्सेलरेशन है लीनियर वो तो जीरो हो गई, लीनियर एक्सेलरेशन जीरो हो गई, राइट, क्योंकि नेट फोर्सेस, अब फोर्स का जो रोल है ट्रांसलेटरी मोशन में, ठीक है ना. अब नेट फोर्स जीरो मींस लीनियर एक्सेलरेशन जीरो, लीनियर एक्सेलरेशन जीरो, और नेट जो टॉर्क है वो हमारे पास जीरो नहीं है,
नेट और हमारे पास जीरो नहीं है, तो अब आपके पास सेकंड कंडीशन जो है ना वो अब सेटिस्फाई अब नहीं हुई, मींस अब बॉडी को कंप्लीट इक्विलिब्रियम में लाने के लिए ये भी हमारे पास क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मीन समेशन ऑफ टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू जीरो, नेट जो टॉर्क है, नेट टॉर्क, और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो तब जाके आपकी बॉडी जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी। अब इस चीज को समझने के लिए आपके बुक में एक डायग्राम है, उस चीज को हम समझते हैं तो हमारे पास हम समझ लेंगे किस चीज को, कंप्लीट इक्विलिब्रियम को, ठीक है। अब देखें यहां पे फिगर हमारे पास है, फिगर ए, एक है फिगर ए, फिगर बी और फिगर सी। सबसे पहले हम फिगर ए को देखते हैं, अगर यहां पे हम देखें ये वही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास जो अभी मैंने डिस्कस किया, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर है इसका, ठीक है, और इसका जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज अब हम दो फोर्सेस अप्लाई करते हैं, एक फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में और दूसरी फोर्स यहाँ पे, लाइन ऑफ एक्शन जो है वो फोर्स इसका क्या है वो डिफरेंट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो समेशन ऑफ फोर्सेस जो है वो क्या है, वो इक्वल टू जीरो है, समेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी दैट इज इक्वल टू जीरो। अब ये हमारे पास क्या है, ट्रांसलेटरी या फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। जब आपके पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो बॉडी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। अब लेकिन अगर हम देखें ना यहां पे अब टॉर्क हम फाइंड करते हैं, अब टॉर्क जो है वो फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म होता है। अब देखें ये फोर्स इस डायरेक्शन में और मूवमेंट आर्म ओ से लेके यहां तक, ये आर ओ से लेके जहां पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये पॉइंट जहां पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और सेंटर से जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके ये जो सेंटर है दैट इज पिवट पॉइंट भी कह सकते हैं, ये फिक्स पॉइंट भी है। अब देखें इस कंडीशन में अगर हम देखें ना तो बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड क्या होगी, रोटेट होगी। तो अब रोटेशन में अगर हम देखें तो ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं यूं, और ये फोर्स भी इसी डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब समेशन ऑफ टॉर्क जो है वो जीरो नहीं है, हम कह सकते हैं कि बॉडी यहां पे हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अब ये बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। तो अब देखें अब टॉर्क में हम फाइंड कर चुके थे ना कि आपने फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, अगर आप देखें ना यहां पे फोर्स, ये फोर्स इनटू मोमेंट आर्म आर और ये फोर्स इनटू प्लस, ये हम दोनों क्या करते हैं, एड करते हैं टॉर्क, क्योंकि सेम डायरेक्शन में टॉर्क है, ठीक है। ये भी काउंटर क्लॉकवाइज मींस ये जो फोर्स है ये भी काउंटर क्लॉकवाइज बॉडी को रोटेट कर रहा है, और ये फोर्स भी क्या कर रहा है, बॉडी को काउंटर क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये मूवमेंट ऑफ अ कपल भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें एफ इंटू आर प्लस एफ इंटू आर, राइट, तो इसको आप एड करेंगे तो एज रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, नेट जो टॉर्क है वो जीरो नहीं होता। तो जब नेट टॉर्क जीरो नहीं है तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी आपके पास अल्फा वो आपके पास जीरो नहीं होगी, ठीक है, वो आपके पास जीरो नहीं होगी। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये बॉडी सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। फिगर बी देखें, फिगर बी में अगर हम देखें तो अब वही फोर्सेस हैं, अब लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट है हमारे पास, लेकिन अगर हम देखें तो डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन मीन ये फोर्स अपवर्ड और ये भी फोर्स अपवर्ड, मींस दोनों पॉजिटिव वाई एक्सिस में, ठीक है। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में तो आप दोनों को क्या करेंगे, एड अप करेंगे, क्योंकि दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन द सेम डायरेक्शन, अब उसे डायरेक्शन नहीं है, सेम डायरेक्शन है। तो एफ प्लस एफ दैट इज टू एफ, तो अब नेट फोर्स हमारे पास, नेट फोर्स जो है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखें नेट फोर्स जब जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी जो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब इसका टॉर्क देखते हैं मींस रोटेशनल मोशन इसकी देखते हैं, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन अब इसकी हम देखते हैं, तो रोटेशनल मोशन में देखें ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ये जो फोर्स है ये फोर्स, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म
टॉर्क, राइट, दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क. और ये जो फोर्स है अबाउट दिस पॉइंट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है. अब ये इस बॉडी में इस डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. अब दोनों टॉर्क्स अगर आप देखें, दोनों टॉर्क्स अगर आप देखें मींस अब ये जो टॉर्क काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये जो टॉर्क है दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब काउंटर क्लॉकवाइज जो टॉर्क है वो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज जो टॉर्क है वो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं. तो प्लस टा माइनस टा दैट इज इक्वल टू जीरो. कहने का मकसद ये है कि नेट जो टॉर्क है वो क्या है, वो जीरो है. नेट टॉर्क जो है वो क्या है, वो जीरो है. तो अब बॉडी हमारे पास जब नेट टॉर्क जीरो है तो कहने का मकसद ये है कि आपका एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, वो जीरो है. अल्फा इज जीरो. तो बॉडी जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है. अब ये जो इक्विलिब्रियम है, ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हमारे पास नहीं है, क्योंकि नेट फोर्स वो जीरो नहीं है. नेट फोर्स जीरो नहीं है, देयर विल बी वेलोसिटी. अब ये मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये क्या करेगा, मूव करेगा, और ये मूवमेंट इसकी होगी लीनियर, लीनियर होगी, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन होगी, ठीक है. अब तक अगर फिगर हम देखें, फिगर सी, तो इसमें अगर आप देखें ये सेंटर है, सेंटर ओ सपोज, राइट, यहां पे फोर्स एफ और यहां पे फोर्स एफ, ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन है. लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्या है, वो डिफरेंट है. और इस सेंटर पे हम एक दूसरी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज 2F. मींस अगर ये 10 न्यूटन है, सपोज 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन होगी, और ये आपके पास 2F का मतलब ये है दैट इज 2 × 10. 2 × 10 मींस दैट इज 20 न्यूटन. अब देखिए यहां पे, अब जो आपके पास है फर्स्ट कंडीशन को हम देखते हैं इस बॉडी के लिए, फिगर सी के लिए, बॉडी वही है, बॉडी वही है. आपके पास जो फोर्सेस हैं, ठीक है, एफ एफ और सेंटर पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट इज 2F, ठीक है. 2F की डायरेक्शन जो है वो अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और एफ और एफ की डायरेक्शन जो है वो अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस है. तो इसका नेट फोर्स निकालते हैं, तो नेट फोर्स हमारे पास होगा दैट इज 2F पॉजिटिव माइनस एफ, और माइनस एफ दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, क्योंकि ये आपके पास अलॉन्ग नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, ठीक है. तो आपके पास समेशन ऑफ फोर्सेस अलॉन्ग वाई डायरेक्शन आपके पास क्या है, वो जीरो है. वो क्या है, जीरो है. 2F और माइनस 2F, आपके पास 2F माइनस 2F, 2F माइनस 2F दैट इज इक्वल टू जीरो. नेट फोर्स हमारे पास जीरो है. तो जब नेट फोर्स आपके पास जीरो है तो आपके पास जो लीनियर एक्सेलरेशन है दैट विल बी इक्वल टू जीरो. लीनियर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, जीरो है. तो बॉडी हमारे पास ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है. अब देखते हैं इसकी रोटेशनल डायनामिक्स इसकी देखते हैं, रोटेशनल मोशन इसकी देखते हैं, ठीक है. अब रोटेशनल मोशन हमारे पास, अब देखें इसको गौर से देखना आपने, यहां पे अगर आप देखें ये फोर्स, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास पॉइंट ओ, पहले भी मैं बता चुका हूं कि वो फोर्स जो कौन से पॉइंट पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे या पिवट पॉइंट पे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका मूवमेंट कोई नहीं होता. इस फोर्स का, 2F फोर्स का कोई भी मूवमेंट यहां पे एग्जिस्ट नहीं करता. मूवमेंट आम इसका क्या है, जीरो है. मींस हम कह सकते हैं इस 2F फोर्स के लिए, 2F फोर्स के लिए हमारे पास मूवमेंट जो है वो क्या है, जीरो है. इसको, इसके लिए कोई मूवमेंट नहीं है. तो इसकी वजह से, 2F की वजह से कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है. तो 2F की वजह से कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी. अब देख लेते हैं F और F को. तो अब ये जो फोर्स है ये क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में बॉडी को रोटेट करेगा, ठीक है. और ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में बॉडी को क्या करेगा, रोटेट करेगा. मींस क्लॉकवाइज टॉर्क, अब देखें यहां पे आपके पास ये क्लॉकवाइज टॉर्क, मींस ये जो फोर्स है 10 न्यूटन, ये फोर्स 10 न्यूटन, मोमेंट आर्म उतना ही है. ओ से लेके, ये पॉइंट ओ से लेके एफ तक ये जो डिस्टेंस है दैट इज आर. और यहां पे अगर आप देखें इस पॉइंट ओ से लेके यहां तक भी डिस्टेंस आर, मोमेंट भी सेम है, मोमेंट आर्म और फोर्स. तो ये जो, अब देखें ये फोर्स 10 न्यूटन, ये भी फोर्स 10 न्यूटन, ये मोमेंट आर्म आर, सपोज 1 मीटर आप ले लें, या चलो 1 सेंटीमीटर ले लें, 1 सेंटीमीटर तो बहुत कम है, आप ले लें 0.5 मीटर,
दे आर 0.5 मीटर और ये भी 0.5 मीटर, ठीक है। तो ये जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा एफ इंटू आर दैट इज पॉजिटिव टॉर्क, और ये जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ये वाला फोर्स दैट इज सॉरी ये जो करेगा ये नेगेटिव ये वाला टॉर्क, और ये आपके पास पॉजिटिव। तो आपके पास आप कह सकते हैं कि प्लस टॉर्क क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क माइनस क्लॉकवाइज टॉर्क दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इनका जो सम है वो क्या होगा जीरो होगा। समेशन ऑफ टॉर्क दैट विल बी इक्वल टू जीरो। आप देख लें जब समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो है मीन्स आपके पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या होगी वो भी जीरो होगी। अब देखें आपके पास कंप्लीट इक्विलिब्रियम के अब ये बॉडी जो ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, एज ए रिजल्ट ये बॉडी क्या होगी ये स्टैटिक होगी, द बॉडी विल रिमेन स्टेशनरी, क्योंकि आपके पास नेट फोर्सेस भी जीरो है और नेट टॉर्क्स भी जीरो है, तो आपके पास बॉडी अब कंप्लीट इक्विलिब्रियम है और दोनों कंडीशन जो है वो ये बॉडी पे सेटिस्फाई होती है, द बॉडी इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा देखें अब असाइनमेंट है 2.5 आपके बुक में इक्विलिब्रियम टॉपिक या टॉर्क से रिलेटेड हमारे पास क्या है असाइनमेंट है दैट इज 2.5 उसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप थ्योरी पढ़ें मैथमेटिक्स मींस फॉर्मूले आप डिस्कस करें और प्रॉब्लम सॉल्व ना करें फिजिक्स में तो आपने फिजिक्स नहीं सीखी। आपने याद रखना है अगर अच्छे इंजीनियर्स बनने हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है फिजिक्स फॉर्मूले समझ के चीज़ों को अंडरस्टैंड करके आपने फिर प्रॉब्लम्स ज़रूर ज़रूर सॉल्व करने हैं। तो आपके एक प्रॉब्लम है दैट इज 2.5 अ यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ वेट 200 न्यूटन। सबसे पहले हमने क्या करना है एक यूनिफॉर्म प्लैंक बनाना है यहाँ पे, ठीक है। वो चलो यहाँ पे मैं पहले बना देता हूँ, ठीक है, तो फिर उसको अब डिस्कस करेंगे। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास है प्लैंक दैट इज़ यूनिफॉर्म, ठीक है। अब इसका मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब इसका जो वेट है दैट इज 200 न्यूटन। याद रखें क्योंकि क्योंकि आपके पास प्लैंक यूनिफॉर्म है तो इसका जो वेट होगा वो कहाँ से होगा वो आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट से क्या करेगा एक्ट करेगा। तो दैट इज वेट ऑफ द प्लैंक डब्ल्यू पी राइट वेट ऑफ द प्लैंक वो आपके पास है दैट इज 200 न्यूटन, ठीक है। एंड लेंथ 6 मीटर। अब इसकी जो लेंथ है ये जो प्लैंक है इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है दैट इज 6 मीटर टोटल लेंथ ऑफ द प्लैंक दैट इज 6 मीटर, ठीक है। दैट इज सपोर्टेड बाय अ रोप अब जो रोप है वो इस तरह है ये यहाँ पे सपोर्टेड है ये प्लैंक जो है रोप के ज़रिए से यहाँ से रस्सी बंधी हुई है और उस रस्सी का दूसरा एंड जो है वो यहाँ पे ऊपर सपोर्ट में हमने फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो टेंशन होती है याद रखें टेंशन हमेशा अब यहाँ पे क्या होगी अपवर्ड होगी वो गिवन है वो आपके पास है। अच्छा इफ द ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द रोप इज 400 न्यूटन। अब ये जो टेंशन है अगर ये हमारे पास सपोज 400 न्यूटन है, ठीक हो गया, हाउ फार कैन अ बॉय ऑफ वेट 400 न्यूटन वॉक टूवर्ड्स द सपोर्ट इस सपोर्ट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉय है ये हम बॉय बना लेते हैं सपोज इसका वेट कितना है गिवन है वेट हमारे पास है इसका दैट इज 400 न्यूटन वेट ऑफ द बॉय डब्ल्यू बी सपोज वेट ऑफ द बॉय दैट इज हाउ मच दैट इज 400 न्यूटन वो हमारे पास कितनी है 400 न्यूटन है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है अब देखें इस चीज़ को समझने के लिए अब सबसे पहले आपने ये वेट ऑफ द बॉय ये आपने सपोज किया 400 न्यूटन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका वेट होगा पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका वेट प्लैंक वेट ऑफ द प्लैंक दैट इज 200 न्यूटन टेंशन इन द रोप दैट इज 400 ये भी फोर्स और ये भी फोर्स टोटल लेंथ जो आपके पास है प्लैंक की वो कितनी है दैट इज 6 मीटर तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट से लेके ठीक है यहाँ तक ठीक है ये आपके पास जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी 3 मीटर क्योंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये मिड पॉइंट में होगा तो 3 मीटर यहाँ पे और इस पॉइंट से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो
3 meter. ये चीज़ अंडरस्टूड है। अच्छा, और हम ये सपोज करते हैं कि ये बॉय, अब यहाँ जाहिर सी बात है, अब ये जो प्लांक है ना, इसका ये जो एंड है ये भी यहाँ पे सपोर्टेड है, यहाँ पे सपोज किसी जगह पे ये इसको फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स है, यहाँ पे जो फोर्स वो क्या होगी, वो अपवर्ड होगी, फोर्स ऑफ द सपोर्ट, ये दूसरी सपोर्ट, ठीक है, वो भी क्या होगी, वो अपवर्ड होगी, ठीक है। अब ये जो बॉय है ये इस तरफ से, इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं, मीन्स इस एंड से उस एंड की तरफ जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये कहाँ तक आगे जा सकता है, इस प्लांक पे कहाँ तक आगे जा सकते हैं। अब देखें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स या टॉर्स का कंसेप्ट समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि आपके पास जो ये टॉर्क है ना, अब दो तरह के टॉर्क प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम क्या लेते हैं, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ अच्छे तरीके से। अब चलो, यहाँ पे सपोज ये वही प्लांक है, ठीक है, ये टेंशन कितनी है, दैट इज़ 400 न्यूटन, टेंशन इन द रोप दैट इज़ 400 न्यूटन, ये टेंशन सपोज, राइट। यहाँ पे वेट ऑफ द प्लांक, वेट ऑफ द प्लांक दैट इज हाउ मच, दैट इज 200 न्यूटन, और यहाँ पे फोर्स अपवर्ड, राइट, और यहाँ पे बॉय सपोज, और इसका वेट जो है वो कितना है, दैट इज 400 न्यूटन वेट ऑफ द बॉय, ठीक है। टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है, दैट इज 6 meter, टोटल लेंथ हमारे पास प्लांक की कितनी है, 6 meter, और इस बॉय का इस यहाँ से, क्योंकि ये इस तरफ से जा रहा है, तो ये डिस्टेंस मैं सपोज करता हूँ x, ये डिस्टेंस मैं सपोज करता हूँ x, मींस अब देखें, अब यहाँ पे हम टॉर्क देख लेते हैं। अब ये जो टॉर्क, अब इसको, इस पॉइंट को हमने क्या करना है, इस पॉइंट को हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज करना है, इस पॉइंट को। तो ये जो फोर्स है, इसका कोई भी टॉर्क जो है वो मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि मूवमेंट r जो है वो क्या है, 0 है, तो इसका कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। तो इसको यहाँ से आप इलिमिनेट कर दें, इस फोर्स को, ठीक है, क्योंकि अब हम टॉर्क्स डिस्कस कर रहे हैं। अब इस बॉय का देख लें, ये बॉय, इसका वेट जो है वो क्या, कितना है, डब्ल्यू पी दैट इज 400 न्यूटन। तो अब देखें, ये टॉर्क इस जानेब होगा, ये टॉर्क मतलब ये जो फोर्स है, इसका जो वेट है ये इस जानेब रोटेट करेगा, ठीक है, प्लांक को। इसी तरह ये भी इसी डायरेक्शन में, राइट, इसी ये जो वेट, वेट ऑफ द प्लांक है, ये भी प्लांक को इसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा, दैट इज क्लॉकवाइज रोटेशन। और ये अगर आप देख लें, ये टेंशन, ये इस प्लांक को अबाउट द सेंटर वो जो है, सॉरी ये आपके मूवमेंट है, ये जो पॉइंट है दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो अबाउट दिस पॉइंट ये इसको इस तरफ रोटेट करेगा, ठीक है, अब वो डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो अब इसका जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, और इन दोनों के जो टॉर्क्स होंगे वो क्या होंगे, वो नेगेटिव होंगे। हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करनी है कि ये कितना तक आगे जा सकता है, कितने तक आगे जा सकता है। तो अब देखें, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ टॉर्क्स, नेट टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू 0, तो बॉडी विल बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। तो अब देखें, यहाँ पे 3 किस्म के टॉर्क्स हैं, एक टॉर्क ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरा टॉर्क ये, और तीसरा ये हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव है, मींस डब्ल्यू जो बॉय, ये वेट ऑफ द बॉय, और ये वेट ऑफ द प्लांक, ठीक है। तो वेट ऑफ द बॉय इनटू एक्स, ये आपके पास टॉर्क है, वेट ऑफ द बॉय इनटू मूवमेंट आर्म। अब देखें, इस पॉइंट से लेके ये आपका वेट, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स है, और ये आपके पास परपेंडिकुलर, यहाँ से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहाँ से आपके पास ये एंगल देखें, ये आपके पास 90 का बन रहा है, तो ये मूवमेंट आर्म एक्स है, डब्ल्यू बी इनटू वेट एक्स, और प्लस आपके पास ये टॉर्क्स, अब हम लेंगे कौन से, ये नेगेटिव लेंगे, और दूसरी भी नेगेटिव ला लें, ये वाली भी आप नेगेटिव ले लें, ये वाली, ठीक है। तो वेट ऑफ द प्लांक इनटू, अब ये डिस्टेंस कितनी है, वेट ऑफ द प्लांक, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके इस पॉइंट तक ये जो मूवमेंट आर्म है, ये आपके पास इसको सपोज करें आर, और ये बराबर है किस चीज़ के, 3 meter के बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। इसी तरह दूसरा आपके पास ये पॉजिटिव होगा,
ये जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा दैट विल बी पॉजिटिव. तो ये आपका टेंशन फोर्स है इनटू मूवमेंट आर्म. ये मूवमेंट आर्म इसका, ये आप ले लें इसको, ये इसकी लेंथ ले लें 6 मीटर जो है, ये 6 मीटर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है दैट इज 6 मीटर, और इसको आप एल सपोज करें, लेंथ ऑफ द प्लांक. ठीक है, तो ये आप ये मूवमेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे देखें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, अब ये फोर्स की डायरेक्शन देखें, और ये मूवमेंट आर्म, तो यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, तो ये मूवमेंट है. तो इस फोर्स के लिए जो मूवमेंट है दैट इज 6 मीटर आर एल, सपोज यहाँ पे आप एल ले लें, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, बॉडी विल बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम. समेशन ऑफ टार्क, ये टार्क टा1, टा2 और टा3. ठीक है, तो अब आप इसको इसमें वैल्यूज पुट करें. वैल्यूज आप देखें, नेगेटिव वेट ऑफ द बॉय, वेट ऑफ द बॉय दैट इज 400 इनटू एक्स, एक्स हमने सॉल्व करना है, वेट ऑफ द प्लांक दैट इज 200, और ये आर आपके पास 3 मीटर है. ठीक है, और ये प्लस टेंशन इज 400, और लेंथ आपके पास 6 मीटर है, दैट विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, इसको आप इक्वेशन की उस साइड पे ले जाएं, इसको भी आप सॉल्व करें. ठीक है, तो ये आपके पास, यहाँ से अगर हम ये 400 माइनस 400 इंटू एक्स, और ये आपके पास आएगा 600, ये 600 राइट, और ये आपके पास 2400. ठीक है, तो यहाँ से आपका आएगा ये 1800, ये 1800 दैट इज इक्वल टू 0, और यहाँ से माइनस 400 एक्स. ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो x आएगी दैट विल बी इक्वल टू 4.5 मीटर. अब क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि ये जो बॉय है ये इस पॉइंट से कहाँ तक जा सकता है, मीन्स 3.5 मीटर डिस्टेंस तक जा सकता है. इससे आगे जाएगा तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा. इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा मीन्स ये जो रस्सी है ये क्या हो जाएगी, ये टूट जाएगी, रस्सी टूट जाएगी, तो नेट टॉर्क हमारे पास फिर क्या, 0 नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, ये दड़ाम, ये जो पुल है ये नीचे गिरेगा. ठीक है, तो अच्छे इंजीनियर बनने के लिए आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, और जब अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अच्छे ब्रिज बनाएंगे, फिर पुल नहीं टूटेंगे. आपको बेसिक्स कंसेप्ट का पता होगा. ठीक है, उम्मीद है आपको इक्विलिब्रियम का टॉपिक जो है या कंप्लीट इक्विलिब्रियम और आखिर में इस प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी. तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़.